इसको बोलो मुंह बंद करे और आंखें खोल ले। महाशया जी घड़ी की तरफ देखो, क्या टाइम हो रहा है? उठने का ये टाइम होता है कुंभकर्ण की औलाद। पापा आप अपने आप को कुंभकर्ण बोल रहे हो। अबे नालायक, जब मैं तेरी उम्र में था ना, 4 बजे उठ जाता था, उठ के पहले योगा करता था, फिर 20 किलोमीटर की रनिंग यानी कि दौड़ता था, वो भी नंगे पैर। उसके बाद घर आके अपना बस्ता लेके, बस्ता बोले तो आजकल तुम लोग जिसे स्कूल बैग बोलते हो, 10 किलोमीटर पैदल जाता था नंगे पैर, गरम रेत पैसे बचाने के लिए। उसके बाद नदी में तैर के पार करके, फिर 20 किलोमीटर का जंगल शेर दहाड़ते थे, उसको पार करके 18 फुट ऊंची दीवार को कूद के स्कूल पहुंचता था, वो भी सबसे पहले। और इतना इंटेलिजेंट था मैं, स्कूल में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था। और गेम क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, यूं खेलते थे हम। बस पापा बहुत हो गया, आपने बहुत डिंगे मार ली। अगर ऐसी बात है ना, कंपटीशन रख लो मेरे साथ। कंपटीशन? हाँ कंपटीशन। कैसा? क्या कह रहे थे आप, सुबह जल्दी उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, कल देखते हैं कौन जल्दी उठता है, कौन एक्सरसाइज करता है। ठीक है ठीक है, मंजूर है। और बाकी के राउंड ना मैं कल ही बताऊंगा आपको। मंजूर है बेटा, कैसे भी कंपटीशन, कैसे भी राउंड, यूं जीतता हूं मैं यूं। हारने के लिए तैयार हो जाओ आप। मुझे भी उठना जल्दी। हाँ तुम तो मेरी टीम में हो ना। हाँ शेर अकेला ही आता है। आर यू रेडी? यस। आज खुशियां चलाउनी यार तारियां, आजा बापू पाइए पंगड़े। मम्मी पापा क्या समझते हैं अपने आप को, मैं पहले उठ गया। ये क्या, मम्मी पापा तो मेरे से पहले उठ गए। बाप से पंगा ले रहा था, हार गया ना चैलेंज। ये राउंड तो मैं हार गया, अगला राउंड पक्का जीतूंगा। पापा आप कहते थे ना, मैं तेरी उम्र का था जब स्कूल में ऐसी लड़कियां पटा लेता था ऐसे। बेटा एक चुटकी में 4 इस तरफ 4 इस तरफ आती थी, और कहीं अगर सीटी मारता ना ये वाली तो भीड़ लग जाती थी। तो मैंने इसी खूबी को देखते हुए ये चैलेंज रखा है पापा। क्या मतलब? आओ बताता हूं। देखो मम्मी पापा, ये है लड़की पटाने का राउंड। क्या? अरे लड़की पटाने का राउंड मतलब मम्मी, इसमें मैं और पापा एक एक लड़की को प्रपोज करेंगे, जिसने कम टाइम में लड़की को पटा लिया यानी मना लिया तो वो जीत गया ये राउंड। डन। ओके पापा तो चलो। वो देखो पापा, वो देखो, वो लड़की आ रही। मैं एक काम करता हूँ, मैं उस लड़की को अभी प्रपोज कर देता हूँ जाके, ठीक है? मैं टाइम नोट करूंगा। हाँ आप मेरा टाइम नोट करना। अच्छा पापा तो अब मेरे को आशीर्वाद दे दो, मैं लड़की पटा के आऊंगा। जा बेटा जूते खा के आ। हैं? मेरा मतलब जा, कोशिश करो। हाँ लड़की पटाएगा भूतनी का। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अजीब लग रहा होगा तुम्हें मैं एकदम से ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ना पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू। सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। पक्का हारेगा? अरे ऐसे तुम्हें सर तार दूंगा। देखो बात कुछ ऐसी है, पीछे खड़े हैं मेरे मम्मी पापा और मेरा चल रहा है उनके साथ कंपटीशन, तो मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा, तुम मान जाओ बस। चलो 500 में डन। अच्छा चलो ठीक है डन। अरे
अच्छा चलो आप बाद में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। बेटा 2 मिनट 11 सेकंड हुए हैं। तो पापा मैंने तो पटा ली, अब आपकी बारी, आप किसका प्रपोज कर रहे हो? ये बुड्ढा तो किसी को नहीं पटा पाएगा, लड़की पटाने के लिए तो स्मार्ट लुक चाहिए, स्मार्ट लुक। अब पापा के बस की बात नहीं है। पापा मम्मी मेरे को लगता है ये चैलेंज तो मैं एक तरफा जीत जाऊंगा, क्योंकि आप तो किसी को पटा नहीं पाओगे। अबे कहे तो तेरे वाले को ही पटा दूं। पापा आपके बस की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आप किसी को भी प्रपोज करके किसी लड़की को भी पटा के दिखा दो। अरे बस तू टाइम नोट कर, फोन दे दो, ये टाइमर है बस। चलो पापा स्टार्ट करूं? हाँ मेरे जान, मेरी सेटिंग बनोगी? ओए होए मेरी जान। क्यों बेटा कैसी रही? टाइम बता पहले टाइम। 13 सेकंड। पर ये तो चीटिंग है पापा, किसी लड़की की बात हुई थी, मम्मी की बात थोड़ी हुई थी। बेटा मेरा आइटम क्या किसी लड़की से कम है? बाप से पंगा ले रहा है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे ये। अरे ऐसे तो बहुत कारनामे हैं, तुम सोच ही नहीं सकती। पता नहीं किस चुड़ैल को लाके खड़ा करेगा, मैं तो यही सोच रही थी। अबे ओ महारथी, इतनी बारिश में घर से इतनी दूर हमें किस लिए लेके आया है? हाँ बता किस लिए लाया है। देखो मम्मी, ऊपर पापा कह रहे थे ना कि मैं 7-8 किलोमीटर पैदल चल के, फिर नदी पार करके, फिर जंगल के रास्ते से 15-20 किलोमीटर शेरों की दहाड़ के बीच से गुजर कर और फिर मैं स्कूल जाता था। तो मैं इसी चीज को देखना चाहता था, तो इसी के लिए मैंने ये राउंड रखा है। इस राउंड में हम यहाँ से दौड़ेंगे और अपने घर जाएंगे, जो घर पहले पहुंचा वो ये राउंड जीत गया। क्यों पापा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट है। लगता है मम्मी पापा डर रहे हैं थोड़े बहुत। जीत जाइए तू, फिर जीत जाओ। अब तू मेरी टीम में है इसकी। चलो रेडी। अरे पापा ऐसे पहले नहीं भागने का, चीटिंग नहीं। चलो 1 2 3। इतनी धीरे क्यों चल रहे हो पापा, थोड़ी तेज भागो। अरे तो क्या मैं तो जीत जाएगा ये। मैं कुछ तो क्यों। सुमित बदल दिया। मम्मी को चोट लगी। अभी आया मम्मी, रेस गई बाढ़ में। अरे मम्मी को क्या हो गया? मम्मी को तेरी मम्मी का सिर टूट गया। है? नहीं पैर टूट गया। पैर कहाँ लगी है मम्मी, मेरे को दिखाओ आप। कहाँ से मम्मी, कहाँ लगी आपको, कहाँ लगी बता। पापा कहाँ गए? जल्दी पापा, आप जाओ जल्दी। सुमित मम्मी छोड़ो मेरे को, छोड़ो। पापा मैं पकड़ रही हूँ इसको, भाग जाओ भाग जाओ। ये चीटिंग है। पापा ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। बेटे बाप से पंगा लिया है, रेस तो मैं जीतूंगा। ये तो टाई हो गया। अरे कोई बात नहीं, 1 पॉइंट तेरा, 1 पॉइंट आपका। हाँ पापा ले गए फ्री का पॉइंट, फ्री का खाने की तो आदत हो गई है। अगले राउंड के लिए ना कपड़े चेंज कर लो, गीले हो गए हैं। ठीक है मम्मी चलो चलो। मम्मी पापा क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहा है? ओए किसने मार दिया तेरे को, किसने छेड़ दिया, बैट लेके कहाँ जा रहा है? अरे मम्मी किसी ने नहीं मारा मेरे को, किसी ने नहीं छेड़ा और किसी को नहीं पीटना। ये बैट तो मैं चैलेंज के लिए लेके खड़ा हूँ ना, हमारा अगला राउंड। मतलब क्रिकेट खेलेंगे? हाँ पापा सही पकड़े, क्रिकेट खेलेंगे। आप कहते थे ना हम कड़ी धूप में खेलते थे, मैं ये कर देता था, मैं कबड्डी का इतना अच्छा प्लेयर था, मैं इसका इतना अच्छा प्लेयर था, मैं इसका। वो डिंगेबाजी जितनी मारी है ना सारी निकालूंगा आपकी हर एक चैलेंज में। हाँ अब रूल सुनो, ये बॉल है और ये बैट है,
इसके ऊपर ऐसे टप्पे मारेंगे और काउंट करेंगे, जिसके जितने ज्यादा टप्पे वो जीत गया। दिखा, बैट पकड़, बस ऐसे ऐसे मारना है। ऐसे नहीं मारना, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे? ओके, तो करें शुरू। यस, चलो मम्मी आप काउंट करना, ठीक है? फोर्टी नाइन हो गया था। अरे मम्मी 50 से चूक गया थोड़ा सा। पापा बोल ले क्या? ये लो पापा बोल। हाँ, और मेरे को पता आप जीत तो पाओगे नहीं, जीतू तो मैं ही गा। हंस मत, ये ट्राई बोल थी। ट्राई ट्राई कुछ नहीं थी पापा, मैं जीत चुका हूँ। ये पॉइंट में ट्राई बोल होती है, ट्राई बोल। नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है, नहीं नहीं नहीं, कोई ट्राई नहीं है। ये चीटिंग है, ये चीटिंग नहीं चलेगी। और मैं एम्पायर हूँ, पीछे हो जाओ। देखो दर्शकों, ये मेरा बेटा जीत गया। ये पॉइंट हुआ मेरा। बेटा खाने में तो मजा आ गया, लेकिन तू यहाँ पर हमें लेकर क्यों आया खाने के लिए? अरे पापा, यही तो है हमारा अगला राउंड, अगला चैलेंज। आप कहते थे ना कि मैं ऐसे पैसे बचाता था, पैदल जाके ऑटो के पैसे बचाता था। अब मैं दिखाता हूँ आपको पैसे कैसे बचाते हैं। और मेरे बाद आपकी बारी है, फिर देखते हैं कौन ज्यादा बचाएगा। बेटे अब की बार दाव, मेरी जगह तेरी मम्मी खेलेगी। अरे कोई भी खेले, क्या फर्क पड़ता है, टीम तो आपकी है। अभी मैं बचा के दिखाता हूँ। बेटा हाँ, बिल 2000 रुपये। 2000? हाँ, दो पैसे दो मेरे को। बेटा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पे। तो कितने हैं? 100 रुपये हैं। दो मेरे को दो। लेकिन तू बाकी के 1900 कहाँ से लाएगा? ये लो भाई आपके पैसे। 100 रुपये? बाकी के 1900 कहाँ है भाई साहब? बाकी हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतने ही, इतने ही रख। अरे भूखे नंगो, जो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, टोटल में खाने क्या जाते हो? रुको, ऐसे नहीं मानोगे तुम। ये 100 रुपये भी ना मेरी तरफ से टिप रख लो, और मैं अभी पुलिस वालों को बुलाता हूँ। पुलिस को बुला रहा है? हेलो पुलिस स्टेशन, अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेजना, यहाँ कुछ भूखे नंगे आ गए फ्री में खाना खाने। हाँ, क्या बात हो गई थी? अरे जनाब, अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार थोड़ा साइड में चलोगे? साइड में? हाँ चलूंगा चलूंगा, क्यों नहीं। सर सुनो तो। तू चुप कर, पहले इस देश के युवा की बात सुनी जाएगी। चुप रहो अंकल आप। लेकिन तुम आओ साइड में। अरे सर मेरे को आप बस एक बात बताओ, आप रिश्वत लेते हो? अरे मैं बहुत काबिल ऑफिसर हूँ। सर बता दो, देख लो। हाँ कोई देता है तो मैं ले लेता हूँ। तुम्हारा मैटर सॉल्व, तुम लोग जा सकते हो। आओ सर। तो आप लोग निकलो। पर सर। तू चुप कर। तो हम जाएं सर, पक्का? हाँ तुम निकलो, चलो मम्मी पापा चलो। हाँ भाई अब तू सुना, तेरे को क्या दिक्कत थी, तब से चुप ही नहीं हो रहा था। अरे जनाब वो लोग 2000 खाना खा गए, और सिर्फ ना 100 रुपए दे रहे थे, 1900 रुपए खा गए मेरे। अरे वो तो 100 मेरे को भी दे के गए, मतलब मेरा भी काट गए। क्या क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता रहता है सब। हाँ तो पापा अब आपकी बारी है पैसे बचाने की, चलो। ठीक है मेरी राम प्यारी, दिखा दे अपनी कलाकारी। ठीक है, आज मैं तुमको सबसे सस्ते केले खिला के रहूंगी। ठीक है मम्मी, तो जाओ। थोड़ी देर रुको। अरे भाई साहब केले कैसे दिए? केले? अरे आंटी जी 60 रुपए दर्जन। 60 रुपए के एक दर्जन? आज तो पक्का पैसे बचा के रहूंगी। अरे भैया पीछे वाला ना 80 रुपए के 12 केले दे रहा है, और तुम इतने महंगे। अरे भैया तुम रहने दो, मैं तो उसी से ले लूंगी। अरे आंटी इसमें शर्माने की बात क्या है,
आप भी ले जाए 80 रुपए के 12 केले, अभी देता हूँ रुको। ये लोन। अरे सुनो सुनो, पैसे रो दो। अरे हाँ, अच्छा फुद्दू बना दिया, जा रही हूँ मैं। ये लो, केले खाओ तुम। मम्मी इसमें पैसे कैसे बचाए आपने? अरे बेटा वो है ना दुकान वाला कमीना, पता क्या कह रहा, 60 रुपए के 1 दर्जन दूंगा। तो आपने क्या किया? अरे मैंने अपनी खोपड़ी घुमाई, दिमाग लगाया, मैं 80 रुपए के 12 ले आई। अरे मोटी बुद्धि, तू पैसे बचा के नहीं पैसे लुटा के आई है। उठा ले रे बाबा, उठा ले इसको। देखो पापा ये पॉइंट तो आप हार गए और मैं जीत गया, अब चलो घर। चलो। तो पापा इतने सब चैलेंज के बाद आखिर ये फाइनल राउंड आ ही गया। हमारे पॉइंट है 3-3, बिल्कुल बराबर। ठीक है, ये राउंड जो जीता वही होगा असली सिकंदर। पर इसमें करना क्या है? हाँ पापा, गुड क्वेश्चन। बट आप जो ये हवाबाजी काट रहे थे ना कि मैं ऐसे बिना पढ़े स्कूल में फर्स्ट आ जाता था, मेरा माइंड इतना तेज था, ये था वो था, इसमें आपका माइंड ही चेक करेंगे। बोले तो दिमाग। हाँ। इंटेलिजेंट कितने हो? और पापा अगर मैं ये जीत गया तो आप मुझे जल्दी नहीं उठाओगे, ठीक है? और मेरे लाडले अगर मैं जीत गया ना, सुबह 3:52 पे यहाँ पर खड़ा मिलेगा। अच्छा ठीक है, सोने ही मत दो इसको। तो पापा ये शुभ मौका मैं आपको देता हूँ, पहले आप मुझसे पूछो कोई भी 2 क्वेश्चन। फंस गया मुर्गा जाल में। बेटा ये बता, 1 दर्जन केले में 12 केले होते हैं, पर उसमें छिलके कितने होते हैं? छिलके, छिलके भी 12 ही हुए ना पापा। ओके, तू दूसरा क्वेश्चन बता। अगर मैं गुस्से में आके जोर से घुमा के तेरी मम्मी के थप्पड़ मार दूं, तो तेरे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? पापा मेरे को क्या, आपको भी नहीं मिलेगा, पूरे 1 हफ्ते की हड़ताल हो जाएगी, खाने के लर्दे पड़ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं ढंग का क्वेश्चन पूछ लो, कोई फालतू की बातें मत करो। तू ये बता, 1 अंडा 5 मिनट में उबलता है, तो 5 अंडे कितनी देर में उबलेंगे? 5 अंडे पापा, 1 लाइफलाइन मिलेगी? ना कोई लाइफलाइन नहीं। नो। अरे पापा बस उबाल के देखूंगा। नो नो। तो पापा 5 मिनट में उबलेंगे। 5 मिनट में तो 1 अंडा उबला है, तो ये सारे भी 5 मिनट में उबलेंगे। अरे पतीला तो एक है। हाँ मम्मी ने बता दिया, देखो। चुप नहीं रह सकती थी मोटी। तो पापा आपके 2 क्वेश्चन हो गए, 2 मैंने बता दिए, अब है मेरी बारी, ठीक है? तो पापा आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, आप अपने मोबाइल का नेम और मॉडल नंबर बता। सैमसंग से आगे गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी। इससे आगे क्या होता है? इससे आगे क्या? यही तो फंसोगे आप। एक मिनट मीना का फर्स्ट अक्षर क्या होता है? एम। यस, एम 51। Yes! एम 51 बता दिया पापा आपने तो। चलो कोई नहीं, अब मैं दूसरा क्वेश्चन मम्मी से पूछूंगा। हाँ तो मम्मी मुझे बताओ कि अपनी गाड़ी की कंपनी का क्या नाम है? अरे ब्रिजा अपनी कंपनी। ब्रिजा तो अपनी गाड़ी का नाम है, उस गाड़ी की कंपनी का नाम बताओ। मुझे क्या पता, तुम खरीद के लाए थे। तो पापा मान रहे हो यार मैं जीत गया? मतलब नहीं, मारुति सुजुकी। ले बता दिया तेरे पापा ने, होंडे की है। गलत बताया मम्मी ने और मैं जीत गया, तो मैं हूँ असली सिकंदर। पापा बाहर गए, आप मुझे आप उठा नहीं सकते। बेवकूफ औरत, जान के गलत बताया ना, ताकि मैं हार जाऊं और ये जीत जाए। हाँ तो मुझे अपना बेटा जिताना था ना। तो देखा, बिना मम्मी पापा किसी के हम कुछ भी नहीं जीत सकते। हे गाइस, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फेवरेट पार्ट जरूर बता देना। और यहीं एक लाल बटन होगा नीचे, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे
घंटे पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, लव यू।